तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूना के टॉप 31 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये सभी कॉलेज महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस है, मतलब कि जितने भी, जैसे कि देखा जाता है कि भाई महाराष्ट्र में 300 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लेकिन इसमें जो टॉप 31 कॉलेजेस है ये उन्हीं कॉलेजेस की लिस्ट है। और अगर आप इसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए एकदम हाई परसेंटेज लगता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। और जिन स्टूडेंट्स का परसेंटेज कम है तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि मैंने उसमें पूना के टॉप 15 इंजीनियरिंग कॉलेज को मैंने कवर किया था। जिनका परसेंटेज 90 से कम है या फिर 80 से कम है वो उस इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो महाराष्ट्र सीईटी के बेसिस पे वीडियो बना था, लेकिन आप उस वीडियो को डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग से कंपेयर कर सकते हैं और वो सभी बेस्ट कॉलेजेस हैं। बस अगर आपका परसेंटेज थोड़ा कम है तो आप उस इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। इसके सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को मैं इंस्टीट्यूट कोड के साथ में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको इन सभी कॉलेजेस को नोट डाउन कर लेना है। और जब ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होगा तो आपको उस तो आप उस ऑप्शन फॉर्म में इन कॉलेजेस को रख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले नंबर पे हमने जिस कॉलेज को रखा है उस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 6006। ये गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। और दूसरे नंबर पे हमने रखा है वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, और ये भी एक गवर्नमेंट एडिट कॉलेज है, ऑटोनॉमस है, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 3012। तीसरे नंबर पे है 3036, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मातुंगा मुंबई, और ये भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है। चौथे नंबर पे है भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल इंस्टीट्यूट, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 3215। और पाँचवें नंबर पे है श्री विले पार्ले केलवानी मंडल द्वारका, एक अनएडिट कॉलेजेस है, लेकिन फिर भी एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जो बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हुए, ये उनके लिए कॉलेजेस है। और छठे नंबर पे पूना इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और ये भी अनएडिट कॉलेज है। और सातवें नंबर पे है केजे सोमिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसका इंस्टीट्यूट कोड है 3181, ये भी एक अनएडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है। और आठवें नंबर पे है बीआर अग्रवाल ट्रस्ट विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट, और ये अनएडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 6273। नवें नंबर पे है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी मुंबई, ये गवर्नमेंट एडिट कॉलेज है और ऑटोनॉमस है। दसवें नंबर पे है 6007, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है, और इस कॉलेज का नाम है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, ये गवर्नमेंट एडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है। अगर हम इस लिस्ट की 11वें नंबर के कॉलेज की बात करें तो 11वें नंबर पे हमने इस कॉलेज को रखा है, उसका नाम है श्री रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और ये एक अनएडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है भाई, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 4115। 12वें नंबर पे है MKSSS कम्युन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी अनएडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 6276। 13वें नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, और ये गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसका इंस्टीट्यूट कोड है 2008। और इसके बाद में 14वें नंबर पे ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये अनएडिट रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 3176। 17वें नंबर पे जिस कॉलेज को रखा है उसका नाम है डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, और ये अनएडिट रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 3208। और इसके बाद में 16वें नंबर पे हमने जिस कॉलेज को रखा है उसका नाम है केजे सोमिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन, और ये भी अनएडिट लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कॉलेज है, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 3209। और 17वें नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती गवर्नमेंट ऑटोनॉमस, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 1002। 18वें नंबर पे है BRACT विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, अनएडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है भाई, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 6289। 19वें नंबर पे सियागढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बड़गांव, अनएडिट कॉलेज है, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 6177। और 20वें नंबर पे श्री गुरु गोविंद सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग गवर्नमेंट एडिट ऑटोनॉमस कॉलेज है, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 2020। और इसके बाद हम देखते हैं इस लिस्ट के लास्ट 11 कॉलेजेस की, जो इस लिस्ट में भी बचे हुए हैं। तो 21वें नंबर पे लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर,
यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 400005। और 22वें नंबर पे है MIT अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग आलंदी पुणे, कैंडिडेट ऑटोनॉमस, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 6146। 23वें नंबर पे है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग CU जेवियर टेक, और ये अनएडिड रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है, इसका इंस्टीट्यूट कोड 3214 है। और 24वें नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़, ये भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस है, इसका इंस्टीट्यूट कोड 6005 है। और 25वें नंबर पे है SIES ग्रेजुएट स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये अनएडिड रिलीजियस माइनॉरिटी कॉलेज है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, जिसका इंस्टीट्यूट कोड है 3211। 26वें नंबर पे पिंपरी चिंचवड एजुकेशन एंड ट्रस्ट, ये अनएडिड कॉलेज है, जिसका इंस्टीट्यूट कोड 6175 है। और 27वें नंबर पे है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, और ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है भाई, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 4025। 28वें नंबर पे है 28वें नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आई एम सॉरी कि इस लिस्ट में आपको इस कॉलेज का पूरा नाम नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इस कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च अवसारी खुर्द, और इसका इंस्टीट्यूट कोड है 6004। और ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये पूना रीजन में ही आता है भाई, और ये पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है, पूना रीजन में आता है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। आप चाहे तो उसकी और रिसर्च कर सकते हो इस कॉलेज के बारे में। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट कॉलेज है उसका नाम है कोल्हापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये अनएडिड ऑटोनॉमस कॉलेज है, जिसका इंस्टीट्यूट कोड 6267 है। और जो 30वें नंबर पे जो कॉलेज है उसका नाम है KE सोसाइटी राजा राम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये अनएडिड ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसका इंस्टीट्यूट कोड 6214 है। और इसका लास्ट, इस लिस्ट का जो लास्ट कॉलेज है उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, इसका इंस्टीट्यूट कोड 5004 है, और ये भी गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है। इसी के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं, और साथ ही जो मैंने पूना के इंजीनियरिंग कॉलेज पे जो वीडियो बनाई थी, आप उस कॉलेज वीडियो को भी ज़रूर देख सकते हो। और इसी के साथ जो डायरेक्ट सेकंड इंजीनियरिंग की क्या प्लान की जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसी के साथ अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।